केलांचल टाइम्स हर खबर पर हमारी नजर नमस्कार आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकर करते झारखंड के जिला पाकुड़ की खबरों की ओर जहां बीजीआर माइनिंग एंड इंफ्रा लिमिटेड ने आज नवाचारी आठ लेन उच्च तकनीकी प्रवेश और निकासी द्वारा प्रणाली का उद्घाटन किया ये नई तकनीकी प्रणाली कंपनी की, की कोयले लॉजिस्टिक्स में कुशलता और पारदर्शिता में सुधार के प्रति एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा कोयले ट्रक में प्रवेश और निकासी प्रक्रिया को संवारने के लिए डिजाइन की गई है नई स्वचालित गेट प्रणाली राष्ट्रीय ऑपरेशनल और कम इंतजाम की भावना को देती है कटिंग एज तकनीक का लाभ उठाते हुए इस प्रणाली को प्रेरित करने वाला सॉफ्टवेयर ध्यान से बीजीआर माइनिंग एंड इंफ्रा लिमिटेड की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मेहनत की गई है प्रणाली का मुख्य विशेषताएं ट्रक की स्वचालित पहचान और गेट पास जारी करने में शामिल है पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने गुरुवार की रात 10 बजे जिले के मुफस्सिल और अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट चांदपुर का औचक निरीक्षण किया निरीक्षण के क्रम में एसपी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस काफी अलर्ट है सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई कोताही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कार्य में लापरवाही बरतने वालों पर सीधे तौर से कार्रवाई की जाएगी तो वहीं एसपी ने मुफस्सिल थाने के जांच के दौरान थाने में उपस्थित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों को थाना क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं पाकुड़ में भाजपा राजमा लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होटल रॉयल रेजिडेंसी पाकुड़ में आयोजित की गई वहीं बैठक में मुख्य रूप से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी राजमहल लोकसभा प्रत्याशी ताला मरांडी प्रदेश उपाध्यक्ष सहराजमहल लोकसभा के प्रभारी राकेश प्रसाद लोकसभा के संयोजक और राजमहल के विधायक अनंत कुमार ओझा सेक्टर प्रभारी और प्रदेश मंत्री गणेश मिश्रा लोकसभा संयोजक दुर्गा मरांडी साहिबगंज जिला प्रभारी अनुज आर्य पाकुड़ जिला प्रभारी अमित कुमार सिंह सहित साहिबगंज जिला अध्यक्ष उज्जवल मंडल पाकुड़ जिला अध्यक्ष अमृत पांडे सहित लोकसभा क्षेत्र के छह विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद थे पाकुड़ विश्वविद्यालय के अधिसूचना संख्या 22 2024 के आलोक में के के एम कॉलेज पाकुड़ के प्रभारी प्राचार्य के पद पर डॉक्टर युगल झा ने प्रभार ग्रहण किया प्रभारी प्राचार्य श्री प्रसाद लोहरा ने डॉ युगल झा का पदभार ग्रहण किया प्रभारी प्राचार्य ने कहा कि छात्रों के हित को लेकर कॉलेज में शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा कॉलेज में छात्रों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा मौके पर डॉक्टर प्रसाद लोहरा डॉक्टर इंद्रजीत उराव डॉक्टर धर्मेंद्र सोरेन डॉ गाजी डॉक्टर स्वीटी मरांडी डॉ माया सिंधा डॉक्टर महबूब आलम डॉक्टर शकुंतला कुमारी डॉ नीलम प्रधान सहायक नीरज कुमार गौतम झा सहित अन्य मौजूद थे पाकुड़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पाकुड़ की के के एम कॉलेज इकाई ने कॉलेज मंत्री दुलाल चंद्र दास अध्यक्षता में महाविद्यालय के नव नियुक्त प्राचार्य डॉ युगल झा का स्वागत पुष्पगुच्छ एवं परिषद की वार्षिक छात्र दैनंदिनी भेंट कर किया साथ ही छात्र हितों में विभिन्न विषयों पर ध्यान आकर्षित करवाते हुए ज्ञापन सौंपकर अगले 24 घंटे में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सकारात्मक पल न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। अभाविप ने अपने छह सूत्र ज्ञापन में महाविद्यालय में पीजी यानी की पढ़ाई प्रारंभ करवाने सभी विषयों में प्रधानाध्यापकों की अविलंब नियुक्ति महाविद्यालय में पेयजल की उपलब्धता और नियमित साफ सफाई छात्र सूचना केंद्र नए सत्र से पीजी कॉमर्स और भूगोल की पढ़ाई प्रारंभ करवाने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नियम महाविद्यालय के पुस्तकालय में पाठ्यक्रम से जुड़ी पुस्तक उपलब्ध करवाने महाविद्यालय में प्रवर्तित पाठ्यक्रम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति विषय पर कार्यशाला आयोजित करने की मांग की तो ऐसे अपने राज्य की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे केलांचल टाइम्स केलांचल टाइम्स हर खबर पर हमारी नजर